जय राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअलिटी नेचुरल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं में। प्रिय दर्शकों, जो सच्चे हृदय के भक्त होते हैं वो मनुष्य में ही नहीं जीव मात्र में अपने आराध्य देव का ही दर्शन करते हैं। वो हर प्रकार के राग द्वेष और छल कपट इन द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। किसी के प्रति उनके हृदय में कोई गलत भावना कभी आती ही नहीं है। इस वीडियो की जो सत्य घटना है वह लगभग 12-13 वर्ष पूर्व की है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं अपने सभी प्यारे प्यारे दर्शकों से विनती करना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है www.divyagyans.com, उस पर जाकर के आप आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित हर जानकारी को विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और उसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर हमारा मनोबल भी बढ़ाएँ और दूसरों को भी लाभ पहुँचाने की कृपा करें। प्रिय भाई बहनों, प्रत्यक्ष कृपा अनुभूति की यह सत्य घटना है विद्या लक्कड़ जी की, जिन्होंने स्वयं इस प्रत्यक्ष कृपा को प्रकट किया, स्वयं बताया। वो बताती हैं कि 12-13 वर्ष पूर्व की बात है, वो और उनके पति जो कि एक सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे, एक सरकारी गाड़ी के ही द्वारा नैनीताल के टूर पर गए। रास्ते में वहाँ से वो लोग पूर्णागिरी देवी के दर्शनों के लिए चले गए। अब गाड़ी एक जगह जा कर के रुक गई। वहाँ से पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए वो लोग माँ के दर्शनों के लिए सीधे गए। आराम से माँ के दर्शन हुए। जब वो वहाँ से वापस चले तो उनके पति जो थे, विद्या जी के पति, वो गाड़ी तक जल्दी पहुँचने के लिए उनसे शीघ्रता से चलने लगे। वो तो धीरे धीरे चल रही थी, परंतु उनके पति जो थे वो शीघ्रता करने लगे गाड़ी तक पहुँचने के लिए जल्दी से। तो अब जो विद्या जी बच्ची वो ड्राइवर के साथ साथ धीरे धीरे चलती रहीं और उनके पति जो थे वो आगे चले गए, परंतु वो इतनी आगे निकल गए कि वहाँ से वो दिखाई ही नहीं दिए। अब ड्राइवर ने भी उन्हें बहुत ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, फिर नहीं मिले, तब अनाउंसमेंट भी कराया, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उनका कोई पता ही नहीं चला। इतने में ही क्या हुआ कि एक और सरकारी गाड़ी वहाँ पर आ गई, उसमें से भी एक दंपत्ति उतरे। उनमें उनके भी जो पति थे वह भी सरकारी दफ्तर में ही कार्यरत थे। अब विद्या जी ने उनसे कहा कि हम लोग भी सरकारी गाड़ी से आए हैं और माँ का दर्शन के लिए गए हुए थे, तो वापसी में जो मेरे पति हैं वो पता नहीं कहाँ रह गए और उनका कहीं पता नहीं लग रहा है। मुझे भय है कि गर्मी भयंकर है, कहीं ऐसा ना हो कहीं चक्कर खा करके वो गिर तो नहीं गए हों। ऐसी अनेकों भावनाएं उनके मन में आ रही थी बार बार। तो उन्होंने उनसे कहा, और उनका जो हुलिया था, किस रंग का हुआ, पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, वो सब उनको बताया और कहा कि आप लोग आगे जा रहे हैं, यदि कहीं वो दिखें तो उनसे कहिएगा कि उनकी पत्नी नीचे ढूंढ रही हैं। तो उन लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया विद्या जी को और वो वहाँ से चल दिए। इधर वह मन ही मन हाथ जोड़ करके और माँ से कहने लगी कि माँ, हम तो आपके दर्शनों के लिए आए थे और यहाँ ऐसे विचित्र परिस्थिति में हम फंस गए हैं, माँ हमारी रक्षा कीजिए, एकमात्र आप ही यहाँ पर हमारा सहारा हैं, उन्हें ढूंढकर आप कृपा कीजिए हमारे पास भेजने की। अब इतनी बात हुई, फिर भी मन में तरह तरह के विचार उद्वेलित हो रहे थे। विद्या लक्कड़ी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्योंकि हिंसक जीव भी रहते हैं, पहाड़ी रास्ता है, तो अनेक तरह के विचार आते हैं। उनका जो ड्राइवर था वह बहुत अधिक थका हुआ था, परंतु फिर भी वह उन्हें ढूंढने के लिए पहाड़ी पर गया। जब वह पहाड़ी पर चढ़ जा रहा था तो कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसने देखा कि वो साहब तो सामने से आ रहे हैं। तब उसे जान में जान आई उसने देख कर। अब इसी बीच में क्या हुआ, जो दूसरे जो अफसर आए हुए थे जिनसे विद्या जी ने कहा था कि मेरे पति खो गए हैं, कहीं आपको मिलें तो उन्हें सूचित कीजिएगा, तो उन्होंने उनका जो शर्ट का कलर था और पेंट का कलर था वह बता ही दिया था। तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया, पहचान करके उनसे कहा कि आपकी पत्नी बहुत अधिक चिंतित हैं आपके लिए और आप शीघ्रता से उनसे मिलें। तब वो ड्राइवर उनको लेकर के नीचे आया। तब उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई प्रिय भाई बहनों, वह एकदम से आश्चर्यचकित करने वाली थी। उन्होंने बताया कि वह जब पहाड़ी से आ रहे थे नीचे उतर के, तो वह रास्ता भटक गए और एक ऐसे सुनसान रास्ते पर चले गए जहाँ कोई दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था और गर्मी के कारण भी बेहाल थे। जब बहुत अधिक व्यथित हो गए, दुखी हो गए, कुछ भी उन्हें सूझ नहीं रहा था, इतने में ही उन्होंने देखा कि तीन औरतें जो सिर पर घास का गट्ठर लेकर के उधर से जा रही थी। उन्होंने कहा कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं, इधर तो रास्ता बंद है।
इधर आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि पीछे जो वो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से वापस जाइए, उसको आगे जाने पर आपको एक रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से आप मुड़ के चले जाइएगा। उन औरतों के द्वारा ऐसा बताए जाने पर वो पीछे लौटे, पीछे लौट करके चलने लगे। लेकिन फिर तुरंत ही उनके मन में आया कि ये औरतें फिर कहाँ जा रही हैं, जब मुझसे इन्होंने वापस आने के लिए बोला। तब ज्यों ही उन्होंने पीछे पलट करके देखा तो रास्ता एकदम सुनसान ज्यों का त्यों था, वहाँ कोई भी औरत नहीं थी, कोई घास वाली नहीं थी। तो माँ की ऐसी प्रत्यक्ष कृपा उन पर हुई जिसकी कारण वो रास्ता को पहचान सके और वहाँ से वापस आ सके। क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, सुनसान जो रास्ते होते हैं जंगल के, वहाँ तो हर तरह का खतरा ही है, हिंसक जीवों का, पशुओं का। और प्रिय भाई बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा मन हृदय सच्चा होता है, सच्चे मन से हम जब अपने आराध्य देव को पुकारते हैं तो वह किसी न किसी रूप में अवश्य ही हमारे पास आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, यह सत्य घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली किसी सत्य घटना में फिर से मिलेंगे, तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। और अब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।